हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल उमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अब देखिए, ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ मार्च टू 31st ऑफ मार्च। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 21st मार्च टू 31st मार्च, लव मैसेजेस फॉर कैंसर। कैंसर, देखिए आप में से कई लोगों को ना, हो सकता है कोई नई जॉब मिल रही है, कई नई लोकेशन पे जा रहे हैं, कोई विश पूरी हो रही है, करियर से लेकर, करियर या पैसे या प्रोफेशन या बिजनेस को लेकर आपकी विश पूरी हो रही है। एंड हो सकता है जो जॉब आपको मिल रही है, नई जॉब, बिजनेस डील, प्रोजेक्ट, वट एवर इट इज, हो सकता है वहां पे आपको आपका पार्टनर मिले, कोई नया इंसान मिल सकता है आपको, आपका कॉलीग हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है। बट ये जो नई एक करियर या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद या उसके थ्रू आपको कोई मिल सकता है, रिस्क लेना पड़ सकता है आपको, नई जॉब में जाने का रिस्क लेना पड़ सकता है, या फिर जॉब में जाने के बाद मे बी क्लाइंट है जो आपको पसंद करता है, या मे बी प्रपोज कर रहा है, या आप उसको पसंद कर रहे हैं, एंड आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा कि इस इंसान के साथ मुझे होना है या नहीं होना है, यू नो, लाइक, क्योंकि काम भी है एंड काम एंड रोमांस साथ साथ मिक्स आइडियली नहीं होना चाहिए, बट इस केस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी चीज का तो रिस्क लेना है आपको। तो आप आई थिंक रिस्क ले रहे हैं कि ठीक है, करके देखते हैं, यू नो, लाइक, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में जाके देखते हैं, क्लाइंट है बट रिस्क है, ठीक है, तो वो रिस्क आप ले रहे हैं। चीजें बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेज पे आप बहुत टाइम तक रहोगे, स्टेज से नेक्स्ट स्टेज, फिर उससे नेक्स्ट स्टेज, तो चीजें बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हैं, स्पीड बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। ऑल्सो एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं आप एंड आपका रिलेशनशिप एंड दूसरा पार्टनर, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या तो आप लोग घूम रहे हैं या फिर अपना रिलेशनशिप डिक्लेयर कर रहे हैं सबके सामने, बट एक्शन ओरिएंटेड है, स्पीड बहुत है, एयर ट्रेवल भी कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, साथ में घूमने जा रहे हैं, या फिर रिस्क ले रहे हैं, मे बी किसी दूसरे इंसान के लिए लोकेशन शिफ्ट करने का रिस्क ले रहे हैं, बट चेंजेस बहुत सारे हैं, चेंजेस बहुत सारे हैं, और वो चेंजेस एक एक करके आ रहे हैं, बट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़े डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि यार सब चीजें चेंज हो गई लाइफ में बहुत जल्दी, ठीक है, तो वो हो सकता है, बट यस, ये मैसेजेस हैं। देखते हैं हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशन टुवर्ड्स कैंसर। एरीज की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स कैंसर? अगर आपके कोई एक्स एरीज थे, कैंसर बहुत कम से रेजोनेट करेगा, नॉट फॉर एवरीवन, बट अगर आपको ये लग रहा है कि अच्छा वो अभी भी मुझसे प्यार करता है, नहीं करता, इफ दे आर स्टिल इनटू मी और नॉट, एंड यू डोंट नो, लाइक यू डोंट हैव एनी आइडिया, यस, दे स्टिल लव यू, इफ दे वंस डिड देन दे स्टिल लव यू। अगर आप सोच रहे हैं कि उनके पास वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए या बात स्टार्ट करनी चाहिए, तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज वो अभी तक मूव ऑन नहीं करे हैं, वो अभी तक आप में अटके हुए हैं। टॉरस की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स कैंसर? कोई झूठ सच कर रहे हैं टॉरस, बोल कुछ रहे हैं बट सच्चाई कुछ और है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, जो वो बोले उसको मानिएगा मत, फेस वैल्यू पे जाइएगा मत। जेमिनाई की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स कैंसर? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप जेमिनाई के साथ इन्वॉल्व हैं या एक रिलेशनशिप या मैरिज में हैं, और अगर आपको लग रहा है कि चीजें ठीक होंगी, नहीं होंगी, ये इंसान वापस आएगा, नहीं आएगा, जो भी, अगर आपकी डेस्टिनी में जेमिनाई लिखा होगा तो वो एनी विच वे आपको मिल ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। कैंसर की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स टुवर्ड्स कैंसर? काफी ऑप्शंस हैं। इफ यू आर डीलिंग विद अनदर कैंसर, आई थिंक यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एंड दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, मोर देन यू कैन इमेजिन, मोर देन यू कैन रियलाइज, ठीक है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये इंसान
के पास तो सिर्फ मैं ही एक हूं, नहीं उनके पास और बहुत सारे हैं, जैसे आपके पास और बहुत सारे हैं। लियो की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स कैंसर? सोलफुल कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन है ये, चाहे अभी मिले हैं या नहीं मिले हैं, मिलने वाले हैं, बट आप दोनों के सोल्स ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं स्पिरिचुअल रेल में, 5D रेल में। वर्गो की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स कैंसर? फॉरगिवनेस चाहते हैं वर्गो आपकी, वो सोच रहे हैं कि अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो क्या कैंसर मुझे फॉरगिव करेगा। तो वो हो सकता है आपसे सॉरी बोले, मैसेज, कॉल, नोटिफिकेशन, डीएम कुछ आपके पास आ सकता है, लेटर आ सकता है, मेल आ सकती है सॉरी की कि लेट्स स्टार्ट अगेन, चीजें भूल जाते हैं पुरानी, वैसा कुछ हो सकता है। लीब्रा की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स कैंसर? कुछ सरप्राइज दे सकते हैं लीब्रा आपको, शायद ट्रैवल करके आ रहे हैं, कुछ इवेंट प्लान करा है, कुछ प्लानिंग करी है इन्होंने, कुछ गिफ्ट प्लान करा है, बट डेफिनेटली आपको सरप्राइज देने वाले हैं, किसी तरीके का सरप्राइज करने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज में। स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स? अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है स्कॉर्पियो जिसको आप पसंद करते हैं, एंड इफ यू हैव सम काइंड ऑफ डाउट इन योर माइंड वेदर दिस पर्सन लाइक्स यू और नॉट, दे डू। इफ यू लव देम दे ऑल्सो लव यू, इफ यू लाइक देम दे ऑल्सो लाइक यू, सो द फीलिंग इज म्यूचुअल बेसिकली। ठीक है, तो वो डाउट आपके दिमाग से मैं क्लियर कर देती हूँ। सैजिटेरियस की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं टूवर्ड्स कैंसर? कंपेरिजन हो रहा है आपके एंड सैजिटेरियस के रिलेशनशिप का, कंपेरिजन हो रहा है बाकी लोगों से, चाहे वो सैजिटेरियस कर रहे हो चाहे आप कर रहे हो। अपना जो आपका जो एक यूनिक वे है आपके रिश्ते की, जो खूबसूरती है, इट इज अ ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे, राइट? तो उसको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है दूसरे लोगों से। हर कोई अपनी अलग जर्नी पे है, हर कोई हर किसी की लाइफ में अलग ड्रॉबैक्स है, माइनस पॉइंट, प्लस पॉइंट्स। तो कंपैरिजन करके चीज को होगा क्या, आप हमेशा नाखुश ही रहोगे, आपको लगेगा कि मेरे पास कमी है, हमेशा कमी लगेगा आपको, तो कंपैरिजन मत करिए यहाँ पे। केप्रिकॉन की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स कैंसर? केप्रिकॉन के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट आप उनको एक मीनिंगफुल ऑप्शन लगते हो, एंड बाकी ऑप्शंस को साइड रख के वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस में भी उनको थोड़े ब्लास से लगते हैं, थोड़े फेक से लग रहे हैं, बट आप काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, कॉन्वर्सेशंस कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, कॉन्वर्सेशंस अच्छे होंगे एंड मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होती होंगी शायद, तो दैट इज वाई वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एक्वेरियस की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स कैंसर? कार्मिक कनेक्शन, ये केप्रिकॉन था, ये एक्वेरियस है। हाँ, कार्मिक कनेक्शन है आप दोनों का, कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, दैट इज वाई एक्वेरियस आपको मिल रहे हैं एंड एक्वेरियस को आप मिल रहे हैं कैंसर, बट एक दूसरे के अच्छे कर्मा का रिजल्ट है कि आप दोनों साथ हैं या आ रहे हैं या आ जाएंगे। पाइसिस की क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स वाइब्स टुवर्ड्स कैंसर? बहुत टाइम है आपके पास, किसी चीज को लेकर जल्दबाजी मत मचाइएगा, चाहे वो कहीं शिफ्ट होना हो, जॉब छोड़ना हो, कुछ डिसीजन लेना हो, शादी, एंगेजमेंट, रो का, वट एवर इट इज, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। कैंसर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।